पूजा पाठ, कर्म कांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहाँ पर काफी समय से हमारे दर्शकों के मन में एक जिज्ञासा है कि यदि हम अपने जीवन में कोई नया वाहन खरीद करके लाते हैं तो उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए। इसके पीछे मान्यता है कि केवल अतिथि ही नहीं, हर नई वस्तु हमारे जीवन से जो जुड़ने वाली है उसका अंक, उसका नाम, वह हमारी राशि और नक्षत्रों के अनुसार हमें शुभ फलदायी हो, इसलिए हमें उस वाहन की पूजा करनी होती है। वाहन की पूजन सामग्री में सुंदर कपूर, नारियल, फूल माला, जल का एक कलश, गुड़ या थोड़ा से मिष्ठान, कलावा सिंदूर, घी मिश्रित किसी अच्छे उसका सिंदूर घी मिश्रित हो, और किसी अच्छे दिन पर नए वाहन को घर में लाकर उसका पूजन करना चाहिए। अच्छे दिन में शुक्रवार सबसे श्रेष्ठ दिन है वाहन के लिए, क्योंकि शनिवार के दिन तो लोहे का दिन है, पर शनिवार को लोहा अपने घर लाने का निषेध है। खरीदना शुभ है पर उसको लाना शुभ नहीं है, इसलिए शुक्रवार का दिन, सोमवार का दिन, बुधवार का दिन और गुरुवार का दिन, ये चार दिन वाहन की पूजन के लिए बहुत श्रेष्ठ हैं। सुंदर पहले गंगा जल से पूरे वाहन में छिड़काव करें, गंगा जल से शुद्ध करें, धुले और दूर्वा गंगा जल में डाल करके या आम के पत्ते से उसके ऊपर जल छिड़के। अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाहियाभ्याम तरह शुचि। शुभ और पवित्र करके जिस व्यक्ति के नाम से वह वाहन लिया गया हो या जिस व्यक्ति के नाम से उसकी पूजा करनी हो, तो हाथ में जल चावल लेकर के संकल्प करे कि हे गणपति देव, आज इस वाहन की शुभता के प्राप्ति के लिए हमारे जीवन में शुभ हो, ऐसा इस आज के शुभ नक्षत्र घड़ी में हम पूजन करते हैं, ऐसा कह करके संकल्प करें। इसके बाद में सिंदूर व घी अथवा तेल से मिश्रित वाहन पर स्वास्तिक का एक नौ अंगुल का चिन्ह बनावे। स्वास्तिक शुभ होने में काफी ऊर्जादायक होता है, पर स्वास्तिक के निर्माण में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। चारों उसकी जो लाइनें हैं बराबर होनी चाहिए और नौ अंगुल का पूरा व्यास उसमें रखा जाता है। और उस स्वास्तिक का मतलब है स्वस्ति, स्वस्ति अर्थात कल्याण। जब हम स्वास्तिक का चिन्ह घर में या किसी वाहन में या अपने किसी स्थान पर बना देते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उस स्वास्तिक के आसपास जो हानिकारक चीजें हैं वो उससे दूर होकर के निकलने का प्रयास करती हैं। तो एक स्वास्तिक बनाना चाहिए, इसके बाद चंदन चावल फूल से पूजन करना चाहिए और इसके पश्चात में एक माला वाहन में पहनानी चाहिए। तीन बार कलावा लपेट करके उसके जहाँ से चलाया जाता है स्टेयरिंग में, और रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। उस रक्षा सूत्र में यह रक्षा विधान भी आप कर सकते हैं, पूर्वे रक्षद्वाराह अग्नेयम गरुण ध्वज, अथवा आप क्रामंतु ये भूता भूमि संस्थिता, ये भूता विघ्न कर्ता रस्तु नश्यन्ति शिवाज्ञया, कपूर की आरती करें, कलश के जल को दाएं और बाएं चारों तरफ डाल दें, नए वाहन के लिए एक जल का घेरा बाहर से उसी जल पात्र से लगा दें, मिठाई आदि का भोग लगा दें, गौ माता के लिए कुछ भोजन निकाल दें, एक नारियल लेकर नए वाहन के सात बार उसमें घुमा करके और इसके बाद उसको उसी स्थान पर तोड़ करके अर्पित करें। इसके बाद वाहन को स्टार्ट करके और इसके उसको जो है थोड़ी देर के लिए उस स्थान तक देवी देवता या भगवान के स्थान तक उसको ले जाएं। इस तरह से नया वाहन
ऐसी पूजा करने से नया वाहन बार बार खराब नहीं होता है और एक दुर्घटना नाशक यंत्र आता है। हनुमान जी महाराज का यंत्र है, उसकी विधि हमने आपको बताई है, तो उस वीडियो को आप देखेंगे जिसमें हनुमान जी का यंत्र है। उस यंत्र को दूसरे वीडियो में हमने यंत्र प्राण प्रतिष्ठा की विधि भी दी है, तो उस विधि से करके उस यंत्र को यदि वाहन में रखते हैं तो दुर्घटनाओं से, खोने से और बहुत प्रकार की बना बिगड़ी से जल्दी जल्दी खराब नहीं होता है, तो उससे रक्षा होती है और उस नए वाहन का सदैव शुभ फल प्राप्त होता है। अथवा पीली कौड़ी काले धागे में बुधवार को अपने वाहन पर बांधकर लटका सकते हैं। ये वाहन की रक्षा का दिव्यतम प्रयोग है। बहुत समय से आप सब लोगों की, दर्शकों की इच्छा थी कि नए वाहन की पूजा की विधि हमें बताई जाए। हमने सरलतम विधि से बताने का प्रयास किया है, इसका विस्तार तो और भी किया जा सकता है, परंतु जिससे आपको समझ में आ जाए, कम मंत्रों का प्रयोग हो और विधि पूरी हो जाए, इस विधि से हमने बताने का प्रयास किया है। आज के लिए बस इतना ही, अगले भाग में पुनः आपके लिए नया प्रयोग लेकर उपस्थित होते हैं। नमस्कार।